फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पोहे की रेसिपी, जिसके लिए मैंने एक आलू, दो हरी मिर्च, थोड़ी सी कड़ी पत्ता और प्याज बारीक काट लिया है, सिंगदाने, धनिया की पत्ती और एक टमाटर, और पोहे को मैंने साफ़ करके धो के रख लिया है पहले से। तो चलते हैं बनाने। तो गैस पे मैंने कढ़ाई रख दिया है, तो 3 से 4 चम्मच तेल डालेंगे। तेल हमारे अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें सिंगदाने डाल के देंगे। तो सिंगदाने हमारे अच्छे से भुन गए हैं, तो इससे हम निकाल लेते हैं। इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच राई, 1/2 अच्छे से चटक जाएंगे। तो इसमें डाल देंगे हम कड़ी पत्ते, डाल दिए। तो इसमें डाल देंगे प्याज बारीक कटा हुआ, तो इसे भी भून लेते हैं कलर चेंज होने तक। तो इसमें डाल देते हैं हरी मिर्च और आलू कटे हुए बारीक, दोनों को साथ में डाल देते हैं और इसे अच्छे से पकाएंगे जब तक आलू सॉफ्ट हो जाए। तो सब्जी हमारी अच्छे से पक गई है, तो इसमें हम डाल देते हैं हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, इसे भी चला लेते हैं। तो इसमें डाल देंगे हम टमाटर बारीक कटा हुआ, तो इससे भी अच्छे से पका लेते हैं सब्जियों के साथ। तो टमाटर चेक कर लेते हैं हमारे आलू पके, तो आलू अभी थोड़े से कच्चे हैं, तो इसे हम कवर करके पकाएंगे, तो चेक कर लेते हैं। आलू हमारे अच्छे से पक गए हैं, तो इसमें डाल देंगे हम ये पोहे जो हमने साफ धो के रखे थे पोहे, तो इसमें हम डाल देते हैं पोहे और इसे भी इसे सब्जियों के साथ इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो पोहे हमारे बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, तो इसमें डाल देंगे भुना हुआ मूंगफली, तो इसे भी मिक्स कर लेते हैं। सुबह का नाश्ते में के लिए अच्छा रहता है, झटपट बन जाते हैं हमारे पोहे। संडे के दिन स्पेशली बनाते हैं हम, तो इसमें डाल देंगे हम नींबू का रस। नींबू का रस डाल के हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़े से। तो हमारे पोहे बन गए हैं, तैयार है। तो इसमें डाल देंगे धनिया के पत्ते और इसे भी मिक्स कर लेते, फिर ये हमारे पोहे बन के तैयार है। तो गैस को करते हैं ऑफ और सर्व करते हैं। तो ये देखिए हमारे पोहे बन के तैयार है। तो पोहे की रेसिपी आपको कैसी लगी, तो इस पर थोड़ी सी गार्निश कर देते हैं, कटे हुए प्याज बारीक और नमकीन डाल देते हैं इसमें, भुजिया नमकीन है, और ऊपर से डाल देंगे थोड़ी सी धनिया की पत्ती। तो ये हमारी पोहा बन के तैयार है। तो खीर के